आम आदमी पार्टी ने पानीपत में एक प्रेस वार्ता की जिसमें प्रदेश सह संगठन मंत्री शोएब आलम ने वार्ता को संबोधित किया। शोएब आलम ने बताया कि जिला पानीपत अध्यक्ष अजय शर्मा की पार्टी के प्रति निष्ठा और काम को देखते हुए डॉक्टर अजय शर्मा को शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशों पर हरियाणा राज्य कार्यकारिणी में जगह दे दी गई है और अब उनकी जगह पानीपत जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी राम रतन शर्मा को दी गई है। अब पानीपत जिले में जिला अध्यक्ष राम रतन शर्मा जी होंगे। प्रदेश सह संगठन मंत्री शोएब आलम ने बताया कि 30 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करनाल में स्कूल अस्पताल रैली को संबोधित करने आ रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के विचार सुनने के लिए करनाल पहुंचेंगे। देखो, पार्टी ने जो मेरे को संगठन की जिम्मेवारी दी है, जिला अध्यक्ष का मतलब है संगठन, पार्टी को मजबूत करना अपने जिलों में, वहां पर गरीब आदमी, क्योंकि आपने पता है टोटल पार्टी अमीर आदमी को संगठन में लेती है, अमीरों को पार्टी में जोड़ती है, लेकिन एक आम आदमी ऐसी पार्टी है जो जमीन से जुड़े हुए नेताओं को, जो जमीन से जुड़े हुए इंसान, उनको पार्टी में लेती है। और मेरा काम यही रहेगा जो अनदेखी हुई है आज तक, हमारे गरीब आदमी, शोषित आदमी, मजदूर, किसान, मजदूर, जो उनकी अनदेखी हुई है, उनको सबको पार्टी में जोड़ना और अपने संगठन को मजबूत करना, और जो पार्टी ने विश्वास जगाया उस पर हम खरे उतरेंगे और अपने संगठन को आगे से आगे लेके जाएंगे। जो डॉक्टर अजय ने मेरे को कमान दिया, सो भाई ने, और जो पार्टी ने विश्वास जताया इस कमान को, इस रथ को लेके, गरीब रथ को लेके आगे से आगे ज्यादा बढ़ के जाएंगे और पार्टी में पूरा दिन रात में